Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve question number 1 of exercise 1D. ये book जो है D3 है. पहले अगर हम question को देखें, that is 8 by x is equal to 2x plus 1. इसको हमने standard quadratic equation के form में करना है. उसको पहले हम standard equation बनाएंगे, quadratic equation जो है, फिर उसको compare करेंगे इसकी values को. तो सबसे पहले जो हम देखते हैं इस डिनोमिनेटर को हमने यहाँ से हटाना है एंड फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद एक्स. इस एक्स को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं. दिस एक्स विल कैंसल आउट विद दिस वन. एट इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, तो ये बन जाएगा 2x2. 2x2 कैसे बनता है? 2x इनटू x, ये 1 1 है, सो दिस विल बिकम 2x2. बीच में प्लस का साइन है. x इनटू 1, 1 टाइम्स x इज 1x. 1 हम यूजुअली लिखते नहीं है यहाँ पे. ओके, इसको अब हम करते हैं रीअरेंज. इसको हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे. इस साइड पे हम इसको मूव करते हैं. यहाँ पे ये प्लस 8 है, सो इट विल बिकम 2x² प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये बन जाता है, कंपेयर अगर हम इसको करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax² प्लस bx प्लस c. तो ये अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया. यहाँ पे x² a की वैल्यू जो है दैट इज 2, x की वैल्यू b की वैल्यू जो है दैट इज 1, एंड c की वैल्यू अगर हम देखें तो वो -8 है. इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू, यानी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट और स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac में इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड इट्स सॉल्यूशन सेट. आई होप यू कैन सी इट क्लियरली, इट्स विजिबल. x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो माइनस इंटू प्लस 1, फिर है प्लस माइनस 1. अब हम आगे इसको करेंगे, स्क्वायर रूट वाला पार्ट जो है, b² की जो वैल्यू है 1 को हम स्क्वायर करेंगे, b की वैल्यू स्क्वायर 1 है, माइनस 4, इसके बाद है a की वैल्यू क्या है दैट इज़ 2, ये वाली जो वैल्यू है, और उसके बाद हम पुट करेंगे c की वैल्यू -8 है. तो जनाब इससे नीचे ऊपर वाला हो गया. डिनोमिनेटर में हम 2 इंटू ए लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है दैट इज 2. सो एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 को हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा. इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 32 माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस आएगा. 4ac, 4 2s are 8, 8 8s are 64, प्लस 64 आएगा बिकॉज दिस माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस. डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 4. सो एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 64 जो आता है वो 65 डिवाइडेड बाय 4. ओके, सो नेक्स्ट हम इसको करते हैं ऐसा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65 आ गया हमारे पास, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4. इसकी अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन करें, सो वी विल गेट -1
either x is equal to minus 1 plus 65 divided by 4 or x is equal to minus 1 minus 65 divided by 4. इससे हमारे पास आता है इसको अगर हम सॉल्व करें तो इससे आता है 1.77 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर हम इसको सॉल्व करें तो इससे आता है माइनस 2.27. सो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 1.77 और माइनस 2.27. थैंक यू.